यूएस एक ऐसा देश है जहाँ पर हर कोई जाना चाहता है, सैर करना चाहता है और वहाँ बस जाना चाहता है। ये देश हर फील्ड में आगे है और इस देश की इकोनॉमी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमीज में शामिल है। इस देश की अपनी इतनी सारी खास बातें हैं कि प्रोग्रेस करने और अपनी लाइफ को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बहुत से लोग अमेरिका जाकर नौकरी करते हैं और बहुत से लोग वहीं पर रहना चाहते हैं। ऐसे में किसी भी देश में परमानेंटली रहने के लिए उसकी नागरिकता मिलना जरूरी होता है। इसलिए आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजनशिप कैसे ली जा सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजनशिप पाने के तरीके और प्रोसेस को समझते हैं। फर्स्ट मेथड टू बिकम यूएस सिटीजन। यूएस सिटीजनशिप पाने के लिए सबसे पहले नेचुरलाइज्ड सिटीजन बनना होगा। इसके लिए आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स में लीगल परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। इसे ही ग्रीन कार्ड मिलना कहा जाता है। ग्रीन कार्ड पाने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे फैमिली मेंबर जो यूनाइटेड स्टेट सिटीजन हो वो अपने स्पाउस, 21 साल से कम एज के अनमैरिड चिल्ड्रन और अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकता है। इसके अलावा यूएस सिटीजन अपने सिबलिंग्स, मैरिड चिल्ड्रन और 21 साल से ज्यादा एज के अनमैरिड चिल्ड्रन को भी स्पॉन्सर कर सकता है। आपको जॉब के थ्रू भी ग्रीन कार्ड मिल सकता है, यानी अगर आपको यूएस में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफर होती है तो आप ग्रीन कार्ड पा सकते हैं। यूएस में 1 साल से रह रहे रिफ्यूजी और असाइलम सीकर भी ग्रीन कार्ड के लिए पिटीशन लगा सकते हैं। नेचुरलाइजेशन के लिए आपको रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई भी करना होगा। इसके लिए आपको नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले यूनाइटेड स्टेट्स में कम से कम 5 साल लगातार रहना होगा और इन 5 सालों में आपका कम से कम 30 महीने यूएस में फिजिकली प्रेजेंट रहना भी जरूरी होगा। इसके अलावा आपको ये भी साबित करना होगा कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप न्यूट्रलाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप कम से कम 3 महीने तक रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको पर्सनल रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करनी होगी, जैसे आपकी एज नेचुरलाइजेशन के लिए एप्लीकेशन फिल करते टाइम कम से कम 18 साल होनी चाहिए। आप इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग कर सकते हो। इस लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए आपका एग्जाम भी लिया जाएगा। आपका मोरल कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, यानी आप लॉ को फॉलो करने वाले, टैक्स पे करने वाले और सोसाइटी में अच्छा बिहेव करने वाले पर्सन साबित होने चाहिए। इसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, जिसके साथ आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। एप्लीकेंट्स को बायोमेट्रिक्स भी देने होते हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट्स, फोटोग्राफ और सिग्नेचर शामिल होते हैं। इनकी मदद से एप्लीकेंट्स का बैकग्राउंड चेक किया जाता है और फिर सूटेबल कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट डिटेल्स सेंड की जाती है। टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी होगी। अब आगे बात करें टेस्ट की, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के प्रोसेस के बाद आपको टेस्ट के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब USCIS यानी कि US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ऑफिसर आपके एप्लीकेशन और बैकग्राउंड से जुड़े सवाल पूछेंगे और आपको इसी इंटरव्यू में इंग्लिश और सिविक्स टेस्ट भी देना होगा। नेचुरलाइजेशन का पूरा प्रोसेस क्लियर कर लेने के बाद आपको ओथ लेनी होगी, जिसके बाद आपको आपका नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आइए अब यूएस सिटीजनशिप पाने का दूसरा मेथड जानते हैं, मैरिज के थ्रू सिटीजनशिप पाना। एक यूएस सिटीजन से शादी करने पर भी ग्रीन कार्ड मिलता है, लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना जरूरी होता है, जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट आपको प्रेजेंट करना होता है और इंटरव्यू फेस करना शामिल होता है, जिसमें मैरिज से जुड़े सवाल किए जाते हैं और ग्रीन कार्ड पाने के लिए आपको अपने वीजा के अप्रूव होने तक का इंतजार भी करना होगा। ग्रीन कार्ड मिलते ही आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होगी। बात करें रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स की, तो नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करने से जस्ट पहले के 3 साल तक आपके पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए। अप्लाई करने से जस्ट 3 साल पहले तक आप यूएस रेजिडेंट रहे हो और यूएस में कम से कम 18 महीनों तक फिजिकली प्रेजेंट भी रहे हो। यूएस सिटीजन से आपकी शादी को 3 साल हो चुके हो और इन सालों में आपका स्पाउस यूएस सिटीजन रहा हो, एप्लीकेशन फाइल करने से कम 3 महीनों तक आप उस स्टेट के अंदर रहे हो। अब बात करें पर्सनल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने की, तो आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। आप इंग्लिश में राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग कर सकते हो। आपका मोरल कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए और आपने यूएस में लीगली एंट्री ली हो।
तो इन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद आप नेचुरलाइजेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसके बाद इंटरव्यू और टेस्ट को क्लियर करके नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट पा सकते हैं। और अब बारी आती है यूएस सिटीजनशिप पाने के थर्ड मेथड को जानने की, तो आइए जानते हैं पेरेंट्स के थ्रू सिटीजनशिप पाना। अगर आपके जन्म के समय आपके दोनों पेरेंट्स यूएस सिटीजन्स रहे हो और उन्होंने एक दूसरे से शादी की हो, तो आपको ऑटोमेटिकली यूएस सिटीजनशिप मिल जाएगी, भले ही आप यूएस के बाहर जन्मे हो। अगर दोनों पेरेंट्स चाइल्ड बर्थ के समय यूएस सिटीजन ना हो, तो चाइल्ड बर्थ के समय कम से कम एक पेरेंट का यूएस सिटीजन होना बहुत जरूरी होगा। और अगर अब बात की जाए अनमैरिड पेरेंट्स होने पर, तो यहाँ पर अगर चाइल्ड बर्थ के समय मदर यूएस सिटीजन हो और कम से कम एक साल तक यूएस में फिजिकली प्रेजेंट रही हो, तो चाइल्ड को यूएस सिटीजनशिप मिल जाएगी। चाइल्ड बर्थ के टाइम उस बच्चे के बायोलॉजिकल फादर की यूएस सिटीजन होने पर भी चाइल्ड को यूएस सिटीजनशिप मिल जाएगी। और आगे अब बात की जाए जन्म के बाद सिटीजनशिप हासिल करने की, तो अगर कोई बच्चा 27 फरवरी 2001 के बाद जन्मा हो और इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो, तो उसे यूएस सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। बच्चे के एक पेरेंट का यूएस सिटीजन होना जरूरी है। बच्चा 18 साल से कम उम्र का होना चाहिए। बच्चा यूएस में परमानेंट होम में रहता हो। बच्चे की यूएस सिटीजन पेरेंट द्वारा बच्चे की लीगल और फिजिकल कस्टडी ली गई हो। 27 फरवरी 2001 से पहले जन्मे बच्चों के लिए सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट्स इससे अलग होगी। अब बात की जाए अडॉप्शन के जरिए सिटीजनशिप हासिल करने की, तो ऐसे बच्चे जिन्हें 16 साल के होने से पहले यूएस सिटीजन द्वारा लीगली अडॉप्ट किया गया हो और वो लास्ट 2 साल से यूएस में रह रहे हो, तो उन्हें भी यूएस सिटीजनशिप मिल जाती है। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी पूरी करके अडॉप्शन के जरिए सिटीजनशिप पाई जा सकती है। तो अब यूएस सिटीजनशिप से जुड़े फोर्थ मेथड के बारे में हम जानते हैं, मिलिट्री सर्विसेज के थ्रू सिटीजनशिप पाना। यूएस मिलिट्री सर्विस का हिस्सा होकर भी आप यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, आपको सिविक्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपकी एज कम से कम 18 साल हो, आप इंग्लिश पर कमांड रखते हो और आपने पीस टाइम या वॉर टाइम में अपनी सर्विस दी हो। इन दोनों सिचुएशंस में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स पूरी करके आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यूएस सिटीजन बन सकते हैं। तो दोस्तों, यूएस की नागरिकता कैसे ली जाती है और किस तरीके से इस अमेजिंग कंट्री का आप हिस्सा बन सकते हैं, इससे जुड़ी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। लेकिन कम्प्लीट डिटेल्स के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर चेक करें। तो क्विक सपोर्ट ये उम्मीद करता है कि ये वीडियो और इसमें शेयर की गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर के आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ये जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर किसी को जरूरत है इस जानकारी की तो प्लीज उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग और नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मुलाकात होगी अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ जानकारियों के साथ। और फिर भी कोई जानकारी है जो आपके दिमाग में है, जो आप चाहते हैं क्विक सपोर्ट पर जानना, तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। रखिए अपना ध्यान। धन्यवाद।